सो हेलो एवरी वन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टर माइंड। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ ऐसा पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऐसा डूज एंड डोंट्स को लेकर डिस्कस करने वाले जो कि ICSE एंड ISC 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, अब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स है, कुछ ऐसा मिस्टेक्स है जो कि तुम्हें अवॉइड करना है इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू लूज योर मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स। देखो यहाँ पर अगर तुमने सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, इफ़ यू आर फुल्ली प्रिपेयर, बट स्टिल यहाँ पर जस्ट प्रिपरेशन इज नॉट इन। यहाँ पर तुम सब कुछ प्रिपरेशन कर पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर बोर्ड एग्जाम्स में जाते हो, लेकिन यहां पर अगर तुम यहां पर कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, इफ यू डोंट फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स, अगर तुम ध्यान नहीं देते हो ये सारा चीज जो है, अगर ये सारा मिस्टेक्स कमिट करते हो, इफ यू कमिट ऑल दीज मिस्टेक्स इन द बोर्ड एग्जाम्स, डेफिनेटली सब कुछ प्रिपरेशंस करने के बाद भी तुम फुल मार्क्स या फिर अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे इन योर बोर्ड एग्जाम्स 2023। तो यहां पर जितने भी ICSE एंड ISC 2023 बैच स्टूडेंट्स हैं, तुम सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। देखो यहाँ पर सबसे पहला जो कि मिस्टेक है जो तुम्हें अवॉइड करना है, दैट इज रिगार्डिंग द क्वेश्चन। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जबकि तुम्हें फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेगा इन द बोर्ड एग्जाम्स, सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद तुम्हें 15 मिनट्स का टाइम इंटरवल रहेगा जो कि रीडिंग टाइम रहेगा। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली, यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली। यहाँ पर तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन है, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर टाइम वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें पूरा सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों गो थ्रू करना है, पूरा 15 मिनट्स के अंदर ऊपर से सारा क्वेश्चन को एनालाइज करना है। You have to choose the questions from section B. सेक्शन जो तुम्हारा पार्ट टू रहता है या फिर सेक्शन बी रहता है, वहां से तुम्हें एनी फोर क्वेश्चंस ऑफ योर चॉइस अटेम्प्ट करना पड़ता है, टोटल फोर सेट्स करना पड़ता है सेक्शन बी से। तो वहां पर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर तुम वहां पर ठीक से चूज नहीं करते हो, स्टार्टिंग में नहीं देखते हो, फिर एंड में तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे। फिर ऐसा होगा कि वहां पर तुम्हें दो क्वेश्चन आता होगा, एक क्वेश्चन नहीं आता होगा, तुमने दो किया, उसके बाद फिर तुमने देखा कि दूसरा वाला सेट से तुम्हें सारा क्वेश्चन आता था, फिर तुम्हें सब कुछ स्ट्राइक ऑफ करना पड़ेगा, सब कुछ काटकर फिर से करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जबकि तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले, बहुत अच्छे से रीड करना है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। यहां पर बहुत बार सपोज तुम्हारे एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समथिंग, नॉट दिया रहेगा, तो वहां पर नॉट अगर तुमने बस नॉट नहीं देखा तो फिर वहां पर जो ऑप्शंस है सारा तुम्हारा करेक्ट होगा, एक इनकरेक्ट होगा जो नॉट वाला का करेक्ट आंसर होगा। तो इसीलिए यहां पर तुम्हें क्वेश्चंस को रीड करना, रीड द क्वेश्चंस ट्वाइस बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। इट कैन सो हैपन दैट तुम्हें आंसर्स पता है बट नर्वसनेस के कारण तुमने ठीक से क्वेश्चन नहीं देखा, या फिर कोई क्वेश्चन तुमने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन स्किप कर दिया, या फिर तुमने प्रॉपर नंबरिंग नहीं दिया। अगर यहां पर तुमने क्वेश्चन थ्री अटेम्प किया है, क्वेश्चन थ्री का आंसर लिखा है आंसर बुकलेट में, लेकिन यहां पर क्वेश्चन फोर था लेकिन तुमने थ्री गलती से लिख दिया, तो इस केस में भी डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। सो मेक श्योर दैट यू डोंट डू ऑल दिस मिस्टेक्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, चाहे तुम्हारा ICSE का बोर्ड एग्जाम हो या फिर ISC का। सो मैंने यहाँ पर रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर ईबुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE 2023 बैच स्टूडेंट्स। इट इज़ अवेलेबल फॉर बोथ हिस्ट्री सिविक्स एज वेल एज ज्योग्राफी, एंड हियर लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। सबसे पहले इट इज़ अ हैंड रिटन ईबुक, तो यहाँ पर तुम्हें सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा जो 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जितना भी यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस है, और यहाँ पर ओनली दोज क्वेश्चंस आर देयर जो कि तुम्हारा 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तुम्हारे पास एकदम आखिरी टाइम बच गया है, एकदम एंड टाइम आ गया है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम बुक से हर कुछ सारा क्वेश्चन सब कुछ कर सको। तो यहां पर अगर तुम इस पर्टिकुलर ईबुक को फॉलो करते हो, यहां से सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, तो यहां पर तुम्हें और कोई भी सब्जेक्ट मतलब कोई भी बुक फॉलो नहीं करना पड़ेगा, सारा यहां पर क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है। प्लस यहां पर सबसे मेन चीज द बेस्ट पार्ट इज यहां पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है, तो यहां पर तुम्हें सॉल्यूशंस भी सर्च नहीं करना पड़ेगा बुक से, इधर उधर से तुम्हें सॉल्यूशंस नहीं ढूंढना पड़ेगा। एंड सिंस दिस इज अ हैंड रिटन ईबुक, तो यहां पर तुम्हें सब कुछ एक्यूरेसी मिलेगा। अगर तुम कोई भी बुक फॉलो करते हो तो वहां पर बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक्स होता है, बहुत सारा आंसर्स सॉल्यूशंस गलत रहता है, तो यहां पर इसलिए तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स ईबुक इज 75 रुपीज एंड द प्राइस फॉर ज्योग्राफी इट इज 65। एंड लेट मी टेल यू, काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसे ऑलरेडी ले लिया है। अगर तुमने अभी तक परचेज नहीं किया है तो इसे तुम्हें कैसे परचेज करना है, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विद आई वॉन्ट टू परचेज ICSE हिस्ट्री सिविक्स ईबुक एंड ज्योग्राफी ईबुक, एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। एंड यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यहां पर अभी काफी सारा DMs रहता है, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो यहां पर तुम्हें मुझे और कुछ DM नहीं करना है, जस्ट DM मी ऑन इंस्टाग्राम विद आई वॉन्ट टू बाई ICSE ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री सिविक्स ईबुक, एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। और ये
अभी लिमिटेड टाइम के अंदर, अभी बिल्कुल एंड टाइम के अंदर अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है ठीक से, तो अगर तुम ये सारा क्वेश्चंस कर लेते हो तो तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90 प्लस के ऊपर मार्क्स ला सकते हो सारे सब्जेक्ट्स में. सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2023 बोर्ड एग्जाम्स. नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ डू नॉट गेट स्टक इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन. यहाँ पर देखो डेफिनेटली यहाँ पर टाइम लिमिट रहता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर अगर तुम्हें टाइम पे कंप्लीट करना है तो यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर स्पीड मेंटेन करके रखना है स्टार्टिंग से ही. सपोज फर्स्ट ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आता है, या फिर तुमने पहले बहुत पहले पढ़ा था, तुमने ठीक से रिविजन नहीं किया था, यू आर स्टक इन बिटवीन. सपोज कोई हिस्ट्री सिविक्स का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू लीव स्पेस फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रॉपरली, बिकॉज द टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग और वेस्टिंग इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर विच यू आर थिंकिंग द आंसर यू माइट नॉट बी एबल टू कंप्लीट ऑन टाइम, उसके वजह से सपोज तुम्हारा 15 मिनट्स ऐसे ही चला जाता है. उसके बाद फिर बाद में क्या होगा, जो 15 मिनट्स यहाँ से माइनस होगा, एंड में तुम्हें लास्ट पोर्शंस जो कि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो सब कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलेगा. तो मेक श्योर कि यहाँ पर तुम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर स्टक हो गए हो तो वहाँ पर तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम्हें यहाँ पर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि तुम्हें आता है वो सब अच्छे से अटेम्प्ट करना है. उसके बाद तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, वो क्वेश्चन पे आना है जो कि तुमने स्पेस छोड़ा था. उसके बाद लास्ट में जबकि तुम्हारे पास टाइम मिले, जबकि तुमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ देख लिया अच्छे से, उसके बाद तुम कर सकते हो वो क्वेश्चन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम. यहाँ पर चाहे तुम्हें कुछ आता हो या फिर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं भी आता हो, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ अटेम्प्ट करना है इन द बोर्ड एग्जाम. अब बहुत लोग मेरे को कमेंट्स में ये बोलेंगे कि वर्षा दीदी सपोज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसका कि हमें कोई आइडिया नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या उसे छोड़ देना चाहिए, और अगर लिखना चाहिए तो क्या लिखना चाहिए. तो यहाँ पर देखो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, कुछ वहाँ पर तुम्हें समथिंग रिलेटेड लिखना है. MCQs होगा तो डेफिनेटली, अगर तुम्हें इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर, डेफिनेटली 4 ऑप्शंस रहता है, उसमें से तुम कोई एक जो तुम्हें लग रहा है कि चांसेस है कि वो करेक्ट होगा तुम्हें वो कर लेना है, जिसका कि 50% चांस हो कि वो करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन हो. और यहाँ पर जो तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस है, जो तुम्हारा थ्योरी पोर्शंस है, उसके लिए तुम्हें समथिंग रिलेटेड लिखना है. यू हैव टू राइट समथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक. अगर सपोज कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का और तुम्हें नहीं आता है, तो वहां पर इंस्टेड ऑफ लीविंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट समथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक जो क्वेश्चन में पूछा गया है. समथिंग रिलेटेड अगर तुम लिखते हो तो डेफिनेटली यहां पर तुम्हें 0 नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 1/2 मार्क्स मिल जाएगा, चाहे वो तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स हो, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो. तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस तुम्हें आता है वो सारा क्वेश्चंस तुम्हें पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है जिसका आंसर तुम श्योर नहीं हो या फिर नहीं आता है उसको तुम्हें छोड़ना नहीं है, उसमें भी तुम्हें समथिंग रिलेटेड लिखना है, सो दैट यू गेट 1/2 मार्क्स और सो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट ICSE और ISC के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. देखो कीवर्ड्स जो होता है बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पर तुम जब भी कोई आंसर लिख रहे हो, स्पेशली तुम्हारा लिटरेचर हो गया या फिर और कोई भी सब्जेक्ट हो गया, तुम सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा कर सकते हो, बट मोस्टली लिटरेचर के लिए ये एप्लीकेबल है कि यहाँ पर जब सपोज तुम्हारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो मेन पार्ट पूछा गया है, जो मेन पॉइंट है, सपोज वेयर इज दिस सीन टेकिंग प्लेस, अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस का, तो तुम्हें क्या करना है, जबकि तुम आंसर लिखोगे दिस सीन टेक्स प्लेस इन वेनिस, सपोज वेनिस आंसर है, तो यहाँ पर वेनिस को तुम्हें अंडरलाइन कर देना है, तो ये कीवर्ड हो गया. तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, सारा कीवर्ड्स अगर तुम अंडरलाइन करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा. ICSE में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर यहाँ पर तुम कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हो सो इट इज़ वेरी इजी फॉर द टीचर टू करेक्ट योर पेपर एंड टू आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स. तुमने वहाँ पर मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड ऑलवेज अंडरलाइन कीवर्ड्स इफ यू गेट टाइम. ऐसा नहीं है कि तुम लास्ट में पूरा पेपर कंप्लीट करोगे उसके बाद कीवर्ड्स लिखोगे, तुम वहाँ पर क्या कर सकते हो, जब तुमने एक पर्टिकुलर आंसर उसी टाइम ऑन स्पॉट आफ्टर कंप्लीटिंग द आंसर यू कैन जस्ट अंडरलाइन द कीवर्ड, यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. और यहाँ पर इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो मेक डायग्राम्स वेर एवर रिक्वायर्ड. डायग्राम्स कैसे, सपोज बायो है, स्पेशली बायो या फिर केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स है, इसमें तुम्हारा ड्रॉइंग्स आर मैंडेटरी. इफ़ यू गिव डायग्राम इन द आंसर अलॉन्ग विद द राइटअप, जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसको आंसर करने के बाद अगर तुम वहाँ पर डायग्राम भी दे देते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, सपोज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, तुम्हारा लिटरेचर हो सकता है या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, अगर तुम्हें यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होता है उसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक क्वेश्चन को आंसर करना है, उसके बाद तुम्हें वहाँ पर
नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट आंसर लिखना है जो सेम क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से अगर तुम करते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर द टीचर टू आइडेंटिफाई दैट यू हैव आंसर्ड बोथ द क्वेश्चंस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, सपोज एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो तो तुम्हें एक क्वेश्चन को आंसर करना है, फिर नेक्स्ट लाइन से तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन, वही पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तुम वहां पर करोगे। इस तरीके से अगर तुम करते हो तो यू विल नॉट लूज मार्क्स एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो ये सारा डूज एंड डोंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर लास्टली डू नॉट लीव एनी क्वेश्चंस एंड डू नॉट ओवरराइट अ पर्टिकुलर आंसर्स। एंड यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें अपना पेपर को नीट एंड टाइडी रखना है इन द बोर्ड एग्जाम्स। इफ यू मेक योर पेपर मेसी यू माइट लूज मार्क्स, सो कीप योर पेपर नीट एंड टाइडी। इफ यू गेट टाइम यू कैन ड्रॉ लाइन्स आफ्टर ईच एंड एवरी आंसर। तो ये भी तुम कर सकते हो अगर तुम्हें टाइम मिले तो। अदरवाइज मार्जिन जो रहता है, मार्जिन जो ऊपर का मार्जिन रहता है, साइड का मार्जिन रहता है, वो ऑलरेडी दिया रहता है, तुम्हारा आंसर बुकलेट मिलता है। अगर तुमने प्री बोर्ड एग्जाम्स दिया, अगर तुम्हारे स्कूल में बुकलेट्स मिला है तुम्हें प्री बोर्ड्स के टाइम प्रैक्टिस के लिए, तो डेफिनेटली यू मस्ट बी अवेयर व्हाट इज एन आंसर बुकलेट। तो ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें आंसर बुकलेट पता है कि नहीं, क्योंकि ऐसे नॉर्मल एग्जाम्स में यू गेट आंसर शीट्स बट इन द बोर्ड एग्जाम्स यू गेट आंसर बुकलेट। तो यहाँ पर आंसर बुकलेट रहता है तो तुम्हें यहाँ पर बार बार पेपर भी नहीं मांगना पड़ता है, एक्स्ट्रा शीट। तो ये सारा मिस्टेक्स है, कुछ डूज एंड डोंट्स हमने डिस्कस किया जो कि ICSE और ISC दोनों बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स। और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो तुम किस पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स सीरियसली। थैंक यू।